हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए एंशेंट हिस्ट्री की हमने जो सीरीज़ शुरू करी है उसमें आज हमें पढ़ना है हर्ष वर्धना के बारे में यानी बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं हम पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं राइट right? तो इससे पहले हमने गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड में गुप्ता पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेकर गुप्ता हमने जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को देखा उनकी सोसाइटी को समझा तो वो, वो सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं राइट पॉइंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो राइट कॉन्सेप्ट है चैनल का नाम चैनल पर जाइए और एनशियट और मेडिवल की सीरीज़ वहाँ पर शुरू है उन सीरीज़ को फॉलो कीजिए उनमें सवाल जो पूछे मैंने उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और अपना अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको सेशन अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं जैसा भी फील करते हैं राइट और उसके अलावा अगर आपको मेरे सेशन से फ़ायदा पहुंच रहा है सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को ठीक है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये आ, क्या बोलते हैं प्री के लिए हम तैयार कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी जो है वो साथ में हमारी चल रही है कहाँ पर मिलेगी वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्पेशल क्लासेज में और स्पेशल क्लासेज का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा टेलीग्राम चैनल से राइट तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इन सभी सेशंस के पीडीएफ अगर आप चाहते हैं स्पेशल क्लासेस के लिंक आप चाहते हैं या उसके अलावा अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं इसी सेम नेम से मैं आपको इंस्टा पर भी मिल जाऊंगा ऑलराइट सो right, so शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के यूपीएससी सी एस सी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए बेहतरीन सब्सक्रिप्शन प्लान्स राइट right. लेकिन ठीक है यूपीएससी सी एस सी जी एस के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है लेकिन अगर आप एक साथ इतनी बड़ी पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं तो अनकेडमी आपके लिए लेकर आया है लोन फॉर यू इसमें जीरो रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस है जीरो परसेंट इंटरेस्ट दो घंटे के अंदर अप्रूवल है नो हिडन चार्जेस मिनिमल पेपर वर्क और फ्लेक्सीबल टेन्यवर रहेगा ये लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हर वीडियो के नीचे ठीक है अन अकेडमी की इस लिंक से जो है वो आपको सारी आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है सो अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट इस समय अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अन्ना अकेडमी से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है ठीक है हैंडस्टाउन क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है ठीक है प्लस से बेटर आइकॉनिक प्लान रहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना आइकॉनिक प्लान में ज़्यादा फीचर होते हैं जैसे कि टेस्ट एनालिसिस पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर एक्सपर्ट गाइडलाइंस ठीक है उसके अलावा अगर आप 10 परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करें चौहान अंडर स्कोर सरेंडर स्कोर हिस्ट्री ताकि आप लोगों को मिले 10 परसेंट का डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट उसके अलावा टेस्ट सीरीज एक्टिव है राइज वर्ल्ड अफेयर्स अन अकेडमी पाथ ठीक है बहुत अच्छा मॉक की तरह काम करेंगे आपके लिए इनको अवेल करने के लिए कोड यूज़ करें चौहान अंडर स्कोर सरेंडर स्कोर हिस्ट्री दो साल के बैचेज एक साल के बैचेज एन सी जो है वो शुरू हो चुके हैं ठीक है अन की लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइए वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्दर मिल जाएगी राइट उसके अलावा, अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है अन कॉम्बैट हर संडे ग्यारह बजे एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करें चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री हिंदी में भी अवेलेबल होगा टॉप रैंकर्स को अन अकेडमी की यू पी एस की एक साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है और टॉप फाइव हंड्रेड रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है तो अगर आप चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें लेकिन आप चाहते हैं कि इतनी पेमेंट आप मतलब एक एक लमसम अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो एक तो लोन वाली सुविधा तो अवेलेबल है उसके अलावा अगर आप टॉप रैंक लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आपको फ्री मिल जाए पूरी सब्सक्रिप्शन राइट तो मेहनत कीजिए कॉम्बेट कीजिए और हो सकता है कि आपको पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाए राइट तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ना है ठीक है तो दैट मीन्स एंशियंट हिस्ट्री में हम पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि अंतिम टॉपिक है आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ठीक है थीके? गुप्ता पीरियड में हम हर्षवर्धना दक्षिण में पल्लव चालुक्य इनको भी देखेंगे ठीक तो प्रीलिम्स के लिए हम ये पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए दैट हम क्या है क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिक हम पढ़ाई कर रहे हैं राइट तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या है अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप, आप जानते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चन है ठीक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं टर्मनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं साइट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कंटेम्प्ररी कौन किसका कंटेम्प्ररी उससे रिलेटेड सवाल होते हैं ठीक है उसके अलावा अब मिस लेनी इस क्वेश्चन में और भी बहुत तरह के मतलब इवेंट्स जैसे इस तरह के सवाल जो है वो बनते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही ध्यान रखनी है कि हमें प्री के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होने चाहिए तो हमें एकदम से मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो तुरंत हमें हिट कर जाता है कि अच्छा ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जा रहा है, है ना और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कैसे पहचान रहे हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज करी है राइट right? उसमें हमने 2020 से लेकर 1995 तक के पेपर जो है वो आज 95 तक के पेपर हो जाएंगे उसके बाद 1990 तक जाना है हमें राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगा तो आप जानते हैं ये जो स्पेशल क्लासेज होती हैं है ना यूट्यूब पर जो मैं सेशंस लेकर आ रहा हूँ ये तो आपका सिलेबस है कंटेंट है लेकिन जो स्पेशल क्लासेज है जो लाइव क्लासेज हैं उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल करना सिखाता हूँ तो जब तक हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्री के क्वेश्चन कराऊंगा फिर हम मेन्स के लिए शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं मेन्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगा समझ रहे हैं आप लोग तो स्पेशल क्लासेस मतलब आपके लिए अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं और हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करने की अपनी कैपेसिटी में कोशिश करूंगा ठीक है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि स्पेशल क्लासेस को आप लाइव अटेंड करें टेलीग्राम चैनल पर जाए वहाँ पर लिंक ज़रूर अवेलेबल होता है ठीक है अच्छा उसके अलावा आप लोग समझ गए ये सारा हमें किस क्या अप्रोच रखनी है ना हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ना है प्रीलिम्स के लिए राइट और ये बच्चा पूछते हैं कि क्या मेंस के लिए मदद करेंगे ये सेशंस तो बिल्कुल वैसे तो ये प्री ओरिएंटेड सेशंस हैं लेकिन मेंस के लिए कॉन्सेप्ट भी आपके यहीं से ही निकल कर आ रहे हैं तो मत घबराइए मेन ओरिएंटेड भी है ठीक है खैर अब आगे की कहानी देखते हैं तो हमने अभी तक पढ़ा क्या है ना गुप्ता पीरियड तक हम आ गए कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ठीक है कहाँ तक आ गए हम गुप्ता पीरियड तक आ गए और आज हमें पोस्ट गुप्ता पढ़ना है यानी हर्षवर्धना के बारे में देखना है ठीक है तो हमारी मेन थीम क्या होती है पढ़ाई की हम प्रोसेस ऑफ चेंज को समझ रहे होते हैं ना मेन कॉन्सेप्ट क्या हमारा इंटरा डिसिप्लिनरी अप्रोच है है ना हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका एंशेंट और मेडिवल जिसमें हम प्रोसेस ऑफ चेंज समझ रहे होते हैं यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री रिलीजियस हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री ठीक है इनमें क्या चेंज आया फ्रॉम आईवीसी टिल गुप्ता पीरियड एंड नाउ पोस्ट गुप्ता यानी गुप्ता पीरियड से पोस्ट गुप्ता में क्या पॉलिटिकल चेंज आया है? तो शक्ति चेंज हो गई ना गुप्त से पुष्यभूति आ गई शक्ति में राइट उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइज हो गई अथॉरिटी है ना इकोनॉमी में चेंज क्या हुआ कि इकोनॉमी स्लो हो गई डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से रिलीजन में चेंज क्या हुआ कि बुद्धिज्म को एक बार फिर से जो है वो पैटर्नाइज किया गया राइट सो so, कल्चर और सोसाइटी में भी बदलाव हम देखेंगे तो ये प्रोसेस ऑफ चेंज ही हमें समझना है तो आई होप आप होपे थोरली होगा आपने क्योंकि अगर आप ऑप्शनल पढ़ने जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर अगर आप ऑप्शनल लिखेंगे कहीं से भी पढ़े प्रोसेस ऑफ चेंज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत मदद करेगा ऑप्शन के लिए नॉट जस्ट ऑप्शनल लेकिन जीएस वन में भी ठीक है शुरू करते हैं और ये प्रोसेस ऑफ चेंज वाला जो फंडा है ना ये केवल हिस्ट्री पर भी नहीं अन्य ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर भी एप्लीकेबल हो सकता है ठीक है समझाऊंगा कैसे तो अब बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की सो गुप्ताज के जाने के बाद गुप्ताज का डिक्लाइन क्यों हुआ के इन्वेजन की वजह से हु ने कहा से इन्वेजन किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से है ना देखिए गुप्ताओं का अगर आप देखें मतलब अंतिम समय में जब गुप्ताओं का डिक्लाइन हुआ या इस तरह मान लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त नहीं कुमारगुप्त से जो है वो समस्याएं शुरू हो गई थी है ना तो इधर बंगाल तक ऐसे बंगाल तक इनके कंट्रोल में था और इधर गुजरात तक इनके कंट्रोल में था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इस तरह नीचे सदरन इंडिया वाला जो रीजन है वो इनके कंट्रोल में नहीं था ये ईस्ट इनकी ट्रिब्यूटरी थी ये साउथ ईस्ट भी इनकी ट्रिब्यूटरी थी और ऊपर नॉर्थ ईस्ट भी इनकी ट्रिब्यूटरी थी चंद्रगुप्त सेकंड की गलती मैंने आपको क्या बताई थी इधर बकटके हैं है ना? नीचे जो है वो मतलब पल्लव पांड्या चेयर वो सब है चंद्रगुप्त सेकंड की गलती क्या थी कि मैंने आपको बताया था कि उसने बैक्टीरिया को छेड़ दिया उसने बैक्टीरिया को जीत लिया जैसे ही उसने बैक्टीरिया को जीत लिया ऊपर क्या है यहाँ पर ऊपर होण थे जैसे ही बैक्टीरिया को जीत लिया तो बफर हो गया ख़त्म बफर ख़त्म होते ही इतना एरिया जो है वो अब कुमार के कंट्रोल में आ गया और उसके जस्ट ऊपर है होण तो पहले जब तक कुषाण थे तब तक वो एरिया जो है वो अच्छा या कुषाण के जो रेमनेट्स थे तब तक वो तब तक वो एरिया जो है वो अच्छा बफर की तरह काम कर रहा था लेकिन जैसे ही ये एरिया गुप्ता के कंट्रोल में आया और कुमार गुप्त नहीं कंट्रोल कर सके उस रीजन को हुणों ने एंटर करना शुरू कर दिया जो हुण अभी तक रुके हुए थे और ये हुणों ने एंटर किया और उन्होंने नॉर्थ इंडिया वाला रीजन जो है वो गुप्तों से छीन लिया और गुप्त अब वापस जो है वो कंसनट्रेट हो गए उनके स्ट्रांग होल्ड यानी कि पाटलिपुत्र वाले रीजन में ठीक है तो ये हमने पिछले टॉपिक्स में समझाया मैंने आपको बताया ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ना अब हमें इससे आगे बढ़ना है तो हुण तो आए और अटैक करके चले गए दैट मीन्स गुप्ता एम्पायर के और गुप्ता एम्पायर की कैपिटल जो है वो मतलब गुप्ता एम्पायर का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वापस मगध वाले रीजन में चला गया दैट मीन्स गुप्तों के जो फ्यूडेटरी थे दिल्ली दुआब वाले एरिया में या पंजाब हरियाणा वाले एरिया में वो अब आजाद हैं इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं अपने आप को और उन्होंने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया है वहीं से ही हमें पुष्यभूति डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि गुप्तों के क्या हैं पुष्यभूति फ्यूडेटरीज राइट तो देखते हैं इस पूरी कहानी को सो हूणों के इन्विजन तक आप समझ गए ना आगे बढ़ते हैं देखिएगा देर वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर बिकॉज गुप्ता एम्पायर हैड सक्सेसफुली यूनाइटेड द होल ऑफ द नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा यूनाइट कर लिया था नर्मदा से ऊपर ऊपर राइट दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक जो है वो सभी एक छत्र शासन में था नेक्स्ट देखिएगा सम स्मॉल रिपब्लिक्स एंड स्मॉल मोनार्कियल स्टेट्स हैड कम अप ड्यूरिंग दिस टाइम इन नॉर्थ इंडिया अब जब गुप्त यहाँ पर नहीं है गुप्त वापस पाटलिपुत्र वाले रीजन तक चले गए हैं तो ये जो पूरा रीजन है इसमें जो भी थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया छोटे छोटे जो मतलब छोटे छोटे जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया तो काफी सारी मोनार्कीस यहाँ पर एकदम से निकल आई बाहर ठीक है जिसमें से हर्षवर्धना जिसमें से पुष्यभूतियों ने यानी हर्षवर्धना यूनाइटेड द स्मॉल रिपब्लिक्स फ्रॉम पंजाब टू सेंट्रल इंडिया एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज देर किंग इन 606 सौ इसमें से हर्षवर्धना ने फिर से सेंट्रलाइज से करने की कोशिश करी लेकिन वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन एस्टेब्लिश नहीं कर सका जो मॉर ने क्रिएट किया था जो कुछ कुछ हद तक गुप्तों के पास था हर्षवर्धना जो है वो अपनी सुबर्निटी के अंदर लेकर तो आया इन सब मोनार्क्स को लेकिन एक बहुत गहरा फ्यूडल नेचर जो है वो डेवलप हो चुका था अब ठीक है तो ये देखिएगा दिस इज द मैप आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता सो ये लेटर है, के इन, के बाद है ना, और ये इनका है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास और थोड़ा सा ये, ये, मतलब, ये गुप्तों के जो फ्यूडेटरी थे बड़े फ्यूडेटरी एक तो मैत्रा का ठीक है ये दक्षिण में दक्षिण में तो गुप्तों का सीन ही नहीं था जैसे ही हु अटैक कर रहे थे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाली सारी सारी जितने भी किंगडम्स हैं इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट पहले ही घोषित कर लिया था तो ये बाहर हो गए ठीक हुण इस पूरे रीजन में जो है वो हु मतलब रेड डालते रहते हैं यहाँ पर क्या है छोटे 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 मोनार्क्स हैं कोई बड़ी कोई शक्ति नहीं है हु आते हैं उनको लूट कर चले जाते हैं है ना पूरे ऊपर सेंट्रल एशिया वाले रीजन में उन्होंने मतलब गदर मचाया हुआ है ठीक ठाक लेकिन जो बड़ी ट्रिब्यूटरीज थी गुप्तों की जैसे कि पुष्यभूति और उसके अलावा मौखरी राइट right, कालचूड़ी हो गए ये जो है वो समतात हो गए ये इंपॉर्टेंट क्या थे ट्रिब्यूटरीज थे किसकी फ्यूडेटरीज थे गुप्तों के जिन्होंने अपने आप को अब आज़ाद कर लिया जिसमें से पुष्यभूति जो है वो अब क्या करेगा पुष्यभूति इन सबको वापस सबडू करेगा ठीक है पुष्यभूति विल बी एबल टू सबडू ऑल ऑफ दिस रीजन तो पुष्यभूति अगर शक्ति में आना चाह रहा है तो आप वाइल्ड गैस करें कौन सा रीजन कैप्चर करना चाहेगा तो आप बिल्कुल तुरंत कैसे कर सकते हैं कि उसके प्लान क्या होगा गुजरात और बंगाल को कैप्चर करूं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को करूं मैं सिक्योर ठीक है लेकिन वो लोग जो पुष्यभूति है उनसे गलती ये हो गई कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर नहीं किया उन्होंने ठीक है और गुजरात को वो नहीं जीत सका केवल बंगाल वाले एरिया में उसने मूव किया तो नेक्स्ट मैप में, में देखेंगे आप ये हर्षा का एम्पायर है ये हर्षा का एक्सटेंशन है ठीक है अभी भी पूरा नहीं हुआ हर्षा का एक्सटेंशन हर्षा जो है वो गुजरात की तरफ मूव ना करते हुए बंगाल की तरफ मूव कर रहा है और फिर गौड़ों को हराएगा हर्षा और ये बंगाल वाला रीजन भी अपने कंट्रोल में ले लेगा ले ठीक है हर्ष कौन है पुष्यभूति ही है ठीक देख रहे हैं आप मौखरियों को लेटर गुप्तों को ठीक है मल्लवों को प्रतिहारों को इन सब को जो है वो अपना फ्यूडेटरी बनाया हर्षा ने तो गुप्तों के जाने के बाद जितने भी छोटे छोटे ये शक्तियाँ उभरी थी ना नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम इन शक्तियों को अपने सुवर्निटी के अंदर लेकर आए पुष्यभूति लेकिन एक हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं बना सके एक बहुत ज्यादा फ्यूडल सिस्टम रहा समझाऊंगा कैसे ठीक है तो इन मैप्स को एक्सेस करने के लिए कहां से मिलेंगे आपको मैप्स ये मेरे टेलीग्राम चैनल वहां से आप इन मैप्स को एक्सेस करें और पढ़े मैप्स के बारे में इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट देखिएगा इट वॉज ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ सेंचुरी दैट हर्षा हैड सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग अ लार्जर किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया राइट ही रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन फोर्टी इयर्स तो ऐसा नहीं है कि अचानक से बंगाल बंगाल सब उसने कंट्रोल में कर लिया धीरे धीरे मूव किया उसना। दीरे दीरे उसने धीरे धीरे उसने मालवा वाले रीजन को पकड़ा ठीक है एक एक करके जो है वो उसने बंगाल वाले रीजन को कैप्चर किया सो so, सेवन सेंचुरी के शुरुआत में उसने थानेश्वर से कन्नौज मूवमेंट करी देख रहे हैं आप वो थानेश्वर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पुष्यभूत का स्ट्रांग होल्ड था थानश्वर यानी कि प्रेजेंट डे हरियाणा वाला रीजन है ना जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है थानेश्वर वहां से फिर उन्होंने कैपिटल को कन्नौज मूव किया राइट हिज एम्पायर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब बंगाल उड़ीसा एंड एंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर राइट गुजरात वाला रीजन अगर आप छोड़ दें ये भी बाद में थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया बाकी इतना रीजन जो है वो हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गया था ठीक है दिस वॉज एट द पीक ऑफ इट हिज एम्पायर राइट आगे देखते हैं सोर्सेस क्या है अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये तो इंट्रोडक्शन था हमें क्या देखना है आज कि किस तरह ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था कि किस तरह गुप्तों के जाने के बाद जो नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी उस पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाकर कुश्यभूतियों ने जो नए नए मोनार्क्स हुए थे निकल के आए थे बहुत सारे उनको एक एक करके सबड्यू किया और हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश उत् प्रेजेंट डे के हिसाब से बता रहा हूँ मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न वाला रीजन उसके अलावा क्या बोलते हैं इसको बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल इस पूरे रीजन को जो है वो अपने सुविनिटी के अंदर लेकर आया कौन हर्षवर्धन ठीक है हमें ये सब पता कहाँ से चल रहा है सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है हमारा सो द चीफ सोर्स ऑफ ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षा एंड हिज टाइम्स आर हर्ष चरित्रा रिटन बाय बाण भट्ट एंड द ट्रेवलर अकाउंट्स ऑफ हुए तो so दो मुख्य सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं लेकिन यह लिटररी सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं ऑल्सो तो right? like so, सबसे पहले तो हर्ष चरित्र है हर्ष चरित्र लिखी है चाइनीज्रमेज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना पहले तो यह दो सोर्सेज है उसके अलावा बाढ़ वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्षा हम जानते हैं और हुएन सांग

उसके अलावा और क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सो so मधुबन में उत्तर प्रदेश में रिजन है मधुबन में एक प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है हमें उसके अलावा सोनीपत में एक सोनीपत इन हरियाणा एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे हमें क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा मतलब हर्षा के पीरियड में क्या क्या इवेंट्स घटे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ठीक है अगेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ध्यान रखिएगा सवाल इन्हीं सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बनता है नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन अगला एक और इंस्क्रिप्शन है कंटेन्स सिग्नेचर ऑफ हर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है हर्ष के सिग्नेचर जो है वो किस में मिल रहे हैं हमें तो बंश खेड़ा इंस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है अब बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की पुष्यभूति डेनेस्टी के बारे में बात करते हैं है ना

पूरी की पूरी क्या थी उपारिका थी इनके पास हरनेश्वर नाम से जिस पर पुष्यभूति जो है वो रूल कर रहे थे ठीक है ना दे कॉल्ड द एम्सल वर्धन वर्धन यानी कि बड़े धन मतलब जिसके पास धन बहुत ज्यादा हो है ना आज भी जो है वो वर्धन आ, मतलब सरनेम जो है वो एक्टिव है हमारे यहाँ बड़ धना वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वर्धनों के लिए बड़ धन तो बड़ धन भी आप इसे कह सकते हैं कई जगहों पर हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति हो कोई

फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति ये आ गई फैक्चुअल नॉलेज प्रभाकर वर्धना वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति राइट अब ये देखिए ये आप दिखाया ना हुजन के, के बाद यहाँ से इन्वेट किया ना उन्होंने और गुप्तों कंट्रोल में कितना रीजन था ये पूरा रीजन ऐसे गुप्तों के कंट्रोल में था कितना रीजन है ना हु के रिपीटिटिव अटैक्स की वजह से यह पूरा रीजन जो है वो गुप्तों से छूट गया और गुप्तस जो है वो केवल अपने वही पाटलिपुत्र के आसपास वाले रीजन में कंसेंट्रेट हो गए ठीक है और पुष्यभूती जो उनके ट्रिब्यूटरीज थे फ्यूडेटरीज थे नॉट ट्रिब्यूटरी फ्यूडेटरीज थे वो अब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे ठीक है आगे देखिए तो ये फर्दर पूरा एक्सटेंट है हर्षा के एम्पायर का ठीक है इतना रीजन जो है वो हर्षा ने कंट्रोल किया आप देख पा रहे हैं इसमें जो पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ऊपर वाले रीजन ठीक है बिहार और झारखंड वाला रीजन कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का बंगाल का उड़ीसा का राइट ये सब जो है वो हर्षा के कंट्रोल में रहा तो ये तो प्रेजेंट डे के राज्यों के हिसाब से है लेकिन उस समय के हिसाब से तो गंगा के मैदान बेसिकली गंगा का मैदान है इसके कंट्रोल में ठीक है मालवा और बुंदेलखंड का रीजन है इसके कंट्रोल में ठीक है और उड़ीसा की थोड़ी सी कोस्ट लाइन है इसके कंट्रोल में और कुछ नहीं गुजरात इसके कंट्रोल में नहीं है ठीक है राजपूताना इसके कंट्रोल में नहीं है पंजाब इसके कंट्रोल में नहीं है नॉर्थ फ्रंटियर तो भूल जाओ ठीक है और साउथ इसके कंट्रोल में नहीं है नहीं, समझ कोस्ट कोस्ट है, रहे हैं कोई शासक कोई राज्य हम हर्षवर्धना की इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे कि कमजोर थी क्यों कहेंगे हम कमजोर थी क्योंकि आप देख रहे हैं इसके पास ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट नहीं है भारत में किन किन शासकों की इकोनॉमी जो है वो बहुत मजबूत रही है जिनके पास ये ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों मतलब ट्रेड मतलब उनके कंट्रोल में हो है ना यानी कि गुजरात और बंगाल दोनों जिसके हाथ में है वो सबसे मजबूत शासक बनता है ना उसकी इकोनॉमी बूम पकड़ती है क्योंकि वो दोनों साइड से ट्रेड करता है लेकिन हर्षवर्धन यहाँ पर केवल हर्षवर्धन हमें यहाँ पर केवल साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ठीक है और अगर वो करना चाहता है गुजरात वाला ट्रेड तो ऑब्वियसली उसको टोल देना पड़ेगा तो उसको महंगा पड़ता होगा वो ट्रेड तो हो रहा होगा लेकिन टोल देना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्राइब्स चीफ जो भी एक्टिव थे इस रीजन में ठीक है वो टोल लेते होंगे बाहरी किसी शासक का ट्रेड करवाने के लिए राइट और देखिए अगर वो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर रहा है सो डेफिनेटली वो बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करेगा क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों से ट्रेड करना पड़ रहा है उसे तो हर्षवर्धना ने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया सेंस बनती है समझ रहे तो इस इन कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करना है तभी हम कह रहे हैं हर्षवर्धना की इकोनॉमी वीक है उसके पास प्रोड्यूस है देखिए उसके पास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस है लेकिन उस प्रोड्यूस को बेचने की जगह नहीं है ना वो केवल स्वर्ण भूमि के साथ गोल्डन लैंड के साथ ट्रेड कर रहा है ठीक है अब गोल्ड कहां से आता था गोल्ड आता है अरब वाले ट्रेड से ठीक है यहां से तो ज्यादातर बार्टर होता है साउथ ईस्ट एशिया में गोल्ड जो है वो अलब अरब वाले ट्रेड से आता है ठीक है इसलिए इतना हमें गोल्ड कॉइन्स भी नहीं मिलते हैं इसके टाइम के हर्षवर्धनों के टाइम के कि जब गोल्ड आ ही नहीं रहा था उसके पास तो गोल्ड कॉइन छापेगा कैसे प्लस उसके अलावा हर्षवर्धन ने अपने जीते जी इतना डोनेशन दिया कि उनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग खत्म ही हो गई थी उनका खजाना जो है वो लगभग खत्म हो गया था हर्षवर्धन ने बहुत डोनेशन दी ठीक है देखते हैं हिज कैपिटल वॉज थानेश्वर थानेश्वर को थानेश्वरा भी कहा जाता है और प्रेजेंट डे आप कुरुक्षेत्र सिटी से इसे रिलेट कर सकते हैं हरियाणा राज्य की ठीक है ही अज्यूम द टाइटल महाराजा धीराज किंग ऑफ किंग्स क्योंकि उसने आसपास के सभी शासकों को सबड्यू किया राइट एंड परम का कि उसने ज्यादातर अपने दुश्मनों का नाश किया ठीक आफ्टर प्रभाकर वर्धना वर्धनाज डेथ इज एल्डर सन अब देखिए प्रभा, प्रभाकर वर्धना की बात चल रही है ये उसने महाराजा धिराज और परम भतर का, का टाइटल लिया ठीक है प्रभाकर वर्धना के बाद कौन आया उसका एल्डर सन राज्यवर्धन केम टू द थ्रोन अब राज्यवन की राज्यवर्धन की स्टोरी थोड़ी सी ट्रेजिक है कैसे देखते हैं राज्यवर्धन की एक सिस्टर थी राजश्री नाम से है ना ही गॉट दि सिस्टर राजश्री मैरिड टू द माओखरी रूलर ऑफ गिर माओखरी रूलर ने गिरवर्मन। अब देखिए माओखरी रहे है कन्नौज के आसपास कौन एक्टिव है माओखड़ी है तो पुष्यभूति को क्या करना है यहाँ पर ट्रेड अपना एक्सपेंड करना है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड वो जा नहीं सकता क्योंकि यहां पर होन बैठे हैं ठीक है गुजरात के साइड उसके जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ये ट्रेड यहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो वो अब बंगाल की साइड मूव कर रहा है तो वो माओ खड़ियों के साथ क्या कर रहा है मेट्रीमोनियल अलायंस बना रहा है ताकि बंगाल वाले रीजन तक वो पहुंच सके ठीक है तो क्या किया इसने राज्यवर्धन ने अपनी बहन का ब्याह किया किसके साथ ग्रेवहर ग्रेवहरमन से ठीक है जो कि क्या है जो कि माओखड़ी का शासक है ठीक है आगे बढ़ते हैं देवगुप्ता द दे रूलर ऑफ मालवा इन लीग विद रूलर किल्ड अब है, है मालवा और ये है यहां पर, ठीक है? मालवा और गौड ने जो है वो आपस में कंस्पायर किया और उन्होंने माओखड़ी को हराया कि ये रीजन हमारा हो जाएगा फिर सारा ठीक है अब माओखड़ी को मार दिया दीन्स किसके मतलब किसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया राज्यवर्धना के ब्रदर इन लॉ को मार दिया तो राज्यवर्धना ने अब क्या लेना है बदला और उसकी वाइफ कहां भाग के चली गई जंगलों में इमीडिएटली ऑन हियरिंग दिस राज्यवर्धन मार्ज अगेंस्ट द किंग ऑफ मालवा एंड राउटेड इज आर्मी बट इन दिस कोर्स राज्यवर्धना वॉज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय शशांका वॉज इन फेमस फॉर कटिंग द बोधि वृक्ष ऑल्सो शशांक ने बोधि वृक्ष भी तोड़ा था कटवाया दिया था इनफैक्ट ठीक है इन द मीन टाइम राजेश्वरी एस्केप्ड इन टू द फॉरेस्ट राजेश्वरी जो है वो जंगल में भाग गई समझ तो आई ना आपको स्टोरी ठीक है राज्यवर्धना ने अपनी वाइफ अपनी सिस्टर राजेश्वरी की शादी मौखड़ी के शासक से करवाई थी मौखड़ी के शासक को मालवा और गौड़ ने मिलकर मार दिया यानी शशांक और मालवा के शासक ने मिलकर मार दिया राज और अब राज्यवर्धन आए उसने पहले मालवा के शासक को तो खदेड़ा लेकिन शशांक ने उनकी हत्या कर दी तो अब ये कौन है प्रभाकर वर्धन के लड़के हैं बड़े लड़के हैं राज्यवर्धन अब प्रभाकर वर्धन के छोटे लड़के हैं हर्षवर्धन अब वो आएंगे शक्ति में ठीक है अब वो भाई की मृत्यु का बदला लेंगे कैसे लेंगे देखते हैं उनकी बहन जो है वो इन दोनों की बहन है ना राजेश्वरी ये दोनों भाई भाई हैं तो इनकी बहन हुई राजेश्वरी राजेश्वरी जो है अभी जंगल में है अब आते हैं हर्षवर्धन सीन में ही वॉज बॉर्न इन फाइव नाइन्टी टू प्रभाकर वर्धन हिज एल्डर ब्रदर वॉज राज्यवर्धन द किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर आफ्टर द डैथ ऑफ हिस ब्रदर राज्यवर्धन हर्षा सेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ सिक्सटीन सो 606 में ये घटना घटी है राज्यवर्धन के साथ कि शशांक ने उनकी मृत्यु करी मतलब हत्या करी उनकी मृत्यु हुई और अब जो है वो हर्षवर्धन शक्ति में आ गए थानेश्वर में और मथुरा वाला रीजन जो है वो किसके कंट्रोल में अब शशांक के कंट्रोल में क्योंकि मथुरा में उसने मथुरा के शासक को मार दिया है ना अब मथुरा से देख रहे हैं आप सीधी सी बात है बंगाल उसके कंट्रोल में है मालवा उसके उसका जो है वो मतलब मित्र है मथुरा उनके कंट्रोल में यानी कन्नौज वाला रीजन उनके कंट्रोल में है ठीक है कन्नौज उनके कंट्रोल में है और अब जो है वो नेक्स्ट कैपिटल क्या बनती है थानश्वर थानेश्वर को वो कंट्रोल में लेगा तो बेसिकली गुप्ता के द्वारा जो छोड़ा गया एम्पायर था उसको अब वापस जो है वो शशांक कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है राइट ही वॉज ऑल्सो नोन एज शीला देते याद रखेंगे हर का दूसरा नाम शीला देते दित्य ये हर्षा के डिक्लाइन का बताएंगे कि हर्षा का डिक्लाइन भी जो है वो हु की वजह से वो हुन भी आएंगे और हर्षा के रीजन को लूट कर जाएंगे वो भी ठीक है ये मैं आप आगे हम फिर से देखते हैं ये हर्षा के एम्पायर का एक्सटेंट है देखिए उसने गुजरात तक को कंट्रोल किया है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं था ज्यादा उसका ट्रेड जो है वो बंगाल के साइड था ठीक अबाउट टू इमोलुवेट वेन शी वॉज अबाउट टू इमोलेट हरसेल्फ राइट तो अपनी बहन को बचाया उसने जब वो अपने आप को मारने ही वाली थी आफ्टर हर्षा ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज एंड ऑल्सो टुक ओवर ईस्टर्न पंजाब प्रेजेंट हरियाणा बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ठीक है हर्षा ने अब शशांक का पीछा करना शुरू किया शशांक को उसने पहले कन्नौज वाले रीजन से खदेड़ा फिर बंगाल में जाकर शशांक को हराया वहाँ पर और उसका पूरा रीजन जो है वो अपने एम्पायर में जोड़ा है उसने ठीक है आफ्टर विनिंग कन्नौज ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज विच वॉज विच लेटर वॉज नोन एजे महादेव श्री. He फोर्ट wars अगेंस्ट ध्रुव ध्रुव देन सेकंड ध्रुव सेन सेकेंड ऑफ वल्लभी एंड डिफीटेडिम तो ये देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री कहानी चल रही है हमें इतना डीप में पॉलिटिकल हिस्ट्री पर सवाल यूपीएससी में बनेगा ही नहीं ज़्यादा ठीक है और सवाल जो है वो हर्षवर्धन के पीरियड से अगर यूपीएससी को पूछने होंगे ना तो और सवाल बहुत है देखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज आया कन्नौज से शशांक को भगाया बंगाल जाकर शशांक को हराया बंगाल अपने एरिया में जोड़ लिया ठीक है थीके? अब मालवा को भी जो है वो सब्डू किया उसने मालवा भी अपने एरिया में जोड़ लिया मालवा के नीचे क्या है चालुक्य हैं तो चालुक्य शासक कौन है ध्रुवसेन सेकंड नहीं नॉट मालवा सॉरी वल्लभी के उसने पहले वल्लभी यानी मालवा के ध्रुवसेन सेकंड को हराया और अब मालवा भी जब उसके कंट्रोल में आ गया है तो अब क्या बचा उसके लिए अब उसको चालुक्य वाला रीजन जो है वो जीतना है ठीक है देखिए हर्षवर्धन कंट्रोल में गुजरात ये मालवा वाला रीजन देख रहे हैं आप भी उसने हराया और गुजरात जो है उसके कुछ समय तक कंट्रोल में रहा ज्यादा नहीं कुछ समय तक उसके कंट्रोल में रहा लेकिन यहां से वो ज्यादा ट्रेड जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सका इसलिए उसकी इकोनॉमी ज्यादा दुरुस्त नहीं हुई ठीक है ही मेड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्य रूलर ऑफ वतापी नेक्स्ट जो है वो अब चालुक्य रूलर के खिलाफ उसने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया पुलकेशन सेकेंड के खिलाफ छः सौ तीस सी ई में इसके लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है बोथ द अकाउंट्स ऑफ हुए एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन सेकेंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दिस कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सोर्स ऑफ हिस्ट्री पुलकेशन सेकेंड के आयोल इंस्क्रिप्शन ठीक है और हुए के द्वारा छोड़ा गया जो ट्रैवल अकाउंट है वो दोनों ही इस बैटल का जिक्र करते हैं जिसमें पुलशेख पुलकेशन सेकंड यानी तालुक के शासक की जीत हुई और हर्षवर्धना की हार और दोनों ने फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नर्मदा का जो है वो अपने राज्यों के बीच की क्या बना लिया बाउंड्री राइट right. देख रहे हैं आप नर्मदा जो है वो दोनों के राज्यों के बीच की बाउंड्री बन गई नीचे जो है वो क्या है चालुक्य है ठीक है वल्लभी वाले रीजन को हराया गुजरात को कंट्रोल किया मालवा को कंट्रोल किया बंगाल को कंट्रोल किया ठीक है आगे बढ़ते हैं। the source of history क्या है? अब के अकाउंट्स बढ़तेशन आफ्टर दिस अचीवमेंट अज्यूम द टाइटल ठीक है सो पुलिस सेकंड इसके बाद हर्षा को हराने के बाद क्या टाइटल लिया परमेश्वरा तो यह सवाल कहीं ना कहीं और कई लेवल के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है ठीक है सो पुलकेशन सेकंड और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में भी ये सवाल बनी जाता है घूम फिर के हमने देखा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आपने सीरीज़ मेरे साथ करी है तो हम देख हम जानते हैं वहाँ पर कई बार ये सवाल हमने देखा है क्रोनोलॉजी के फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट देखिएगा अब ये है बदामी के शासक का एम्पायर है ना ये है चालुक्य का एम्पायर चालुक्य के नीचे जो है कौन है यहाँ पर वही पल्लव चोल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होंगे पांड्या हैं इधर चेर हैं ठीक है इधर जो है वो वेंगी है इधर पल्लव से ऊपर थोड़ा सा इस वाले रीजन में ये इसके बीच में वेंगी है इधर पल्लव कलिंग और ये ऊपर वाला रीजन जो है वो हर्षवर्धन के कंट्रोल में है इतना ठीक है सो तो गुजरात और बंगाल का देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बंगाल और गुजरात दोनों उसके कंट्रोल में नहीं आया देखिए उसके उसके शासन के मेजोरिटी पीरियड में नहीं था गुजरात उसके पास बहुत बाद में जाकर उसके हाथ में गुजरात आया है ठीक है मतलब लेटर पार्ट ऑफ हिज एंपायर उसके उसके हाथ में गुजरात का ट्रेड आया और इतना भी और ट्रेड गिल्ड उसके पूरे कंट्रोल में नहीं आए कंसोलिडेट नहीं कर सका वो गुजरात के ट्रेड को ठीक है इसीलिए उसकी इकोनॉमी में गुजरात और बंगाल के ट्रेड के होने का जो एविडेंस मिलता है ना हमें क्योंकि और उसके अलावा जितने भी बड़े एंपायर आपने देखें गुप्तों की बात करें मॉरेस की बात करें या फिर मेडिवल uh, हिस्ट्री के जितने भी बड़े एम्पायर हैं जिनके पास गुजरात और बंगाल रहा है उन्होंने कितने बड़े लेवल पर ट्रेड किया है ठीक है उस तरह का ट्रेड हमें वर्धन का होता हुआ नहीं नजर आया उसका एक कारण यह भी है कि वर्धन ने अपनी मर्जी से बहुत धन जो है वो लुटा दिया ठीक है बहुत दान दे दिया उसने वेन सांग अकाउंट ऑल्सो कन्फर्म द विक्ट्री ऑफ पुलकेशन सांग एज वेल एज आहिओल इंस्क्रिप्शन दोनों जो है वो पुलकेशन सेकेंड की विक्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं द डिफीट रिजल्टेड इन ट्रूस बिटवीन द टू किंग्स विद हर्ष एक्सेप्टिंग रिवर नर्मदा एज द सदन बाउंड्री ऑफ हिस किंगडम ठीक है नर्मदा क्या बन गई बाउंड्री राइट right? तो नर्मदा के ऊपर वाला रीजन जो है वो ये का और इससे नीचे जो है वो चालुक्यों का ठीक तो मैं बार बार बोलता हूं कि रिवर्स जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाती हैं जैसे सिंध रिवर जो है वो यहां पर बहुत सारे एंपायर की पॉलिटिकल बाउंड्री सिंध रिवर ने बनाई है, है ना दक्षिण में हम आ जाएंगे तो कृष्णा और कृष्णा के साथ जो तुंग भद्रा है वो कई एंपायर की बाउंड्री बनाएगी उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन जो है ये वेंगी का ये वेंगी का रीजन बन जाता है ना कावेरी के नॉर्थ और साउथ वाला रीजन तो जो रिवर्स हैं वो नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है हमें समझना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए इस मैप में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये गंगा और यमुना दिख रहा है ना ये जो बीच का रीजन इसको कहा जाता है दुआब ठीक है वैसे तो मतलब टेक्निकली देखा जाएगा तो ये होगा दुआब लेकिन इसके आस पड़ोस के एरिया को भी दुआब ही कह देते हैं और ये पंजाब है आपके ठीक है ये आपका विश्व बाड़ी जेछ रजना एक सेकेंड यहां पर हाँ सतलुज जो है वो जुड़े के अंदर सो so, ये पंज आब हैं यहां पर पांच द्वाब हैं ठीक है तो ध्यान रखना ये जो द्वाब हैं ये जो रिवर बाउंड्रीज हैं दीज फॉर्म्स द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ठीक है फॉर डिफरेंट एम्पायरस आगे बढ़ते हैं अब हर्षा और बुद्धिज्म की बात करते हैं कि बुद्धिज्म के साथ हर्षा का क्या लेना देना है अब बुद्धिज्म के साथ हर्षा का लेना देना क्यों ना हो क्योंकि शुरू पूरा थ्रू आउट उसके एम्पायर की शुरुआत में जब तक उसके पास गुजरात नहीं था है ना उसने कंसोलिडेट नहीं किया था उसको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था किसके ट्रेड के साथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड जो है और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो ट्रेड किसका है ये सब बुद्धिस्ट लोग हैं तो दैट मीन्स बुद्धिज़्म को पैट्रनाइज करना हर्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन उसके खुद की जनता जो है वो क्या कर रही है यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हैं वैदिक ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। पुष्य की की देखेंगे तो पाएंगे आपकी तो वो खुद तो शैवाइट थे ठीक है? तो ये काफी कंफ्यूजिंग चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग हर्षवर्धना पीरियड दो अमसेल्फ वॉज इम्प्रेस टू सी द प्री डॉमीन ऑफ ब्राह्मणिक रीजन सो सेम चीज़ फाहयान ने गुप्ता पीरियड के लिए कही कि जो गैंगेटिक जो पूरा रीजन है वो ब्राह्मणिकल रीजन है सेम सांग ने हर्षा के पीरियड के लिए कही कि पूरा गैंगेटिक वाला जो रीजन है वो ब्राह्मणिकल मतलब रीजन है सो so यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पोस्ट गुप पोस्ट मौर्य पीरियड से ब्राह्मणिज़म का रिवाइवल हुआ क्योंकि तो पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद ट्रेवल मतलब ट्रेवलर्स के अकाउंट एज वेल एज जो लिटरेरी सोर्सेज हमें संस्कृत में मिलता है बड़ी संख्या में यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ इनफैक्ट जो है वो ब्राह्मणिकल कल्चर का रिवाइवल हुआ और जो नॉर्थ इंडिया की बड़ी पॉलिटिकल शक्तियां हैं उन्होंने किसको अडॉप्ट किया ब्राह्मणिज्म को बजाए के बुद्धिज्म लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बुद्धिज्म को आउटराइट राइट नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि डेफिनेटली उनका ट्रेड जो है वो चाइना साउथ ईस्ट एशिया के साथ था और उनके खुद के ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो मतलब कई बुद्धिस्ट लोगों के खुद के ट्रेड गिल्ड्स थे राइट जैन लोगों के ट्रेड गिल्ड्स थे तो हेटीडॉक्स सेक्ट्स के साथ अच्छा बर्ताव करना जो है वो उनकी मजबूरी ही नहीं एक अच्छी सेंस भी बनती है ठीक है क्योंकि उनके खुद के सब्जेक्ट्स में है ना पॉपुलेशन में बड़ी संख्या जो है वो बुद्धिस्ट है अभी भी है ना लेकिन संस्कृताइजेशन हो गया उनका बुद्धिस्ट लिटरेचर भी जैन लिटरेचर भी संस्कृत में लिखा जाने लगा है ये डिफरेंस जो है वो हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता में देखने को मिलता है राइट संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ बोथ बुद्धिस्ट एंड स्कॉलर्स द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज फॉर दिस पॉइंट आइडल वर्शिप बिकम कॉमन विद द महायान बुद्धिस्ट एंड हिंदू अगेन आइडल वर्शिपिंग हो रही है कौन बता रहा है बता रहे हैं कि आइडल वर्शिपिंग हो रही है बोथ बुद्ध मतलब बुद्धिस्ट लोग और हिंदू जो हैं वो धूमधाम से आइडल वर्शिपिंग कर रहे हैं किस किस की तो हिंदुज्म में दो मुख्य सेक्ट है वैष्णवनिज्म और शैवाइट, ठीक है तो शिव और उनके रूप और विष्णु और उनके अवतारों की डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियों की पूजा की जा रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं इन दिस रिलीजियस स्फियर हर्षा अडॉप्टेड द लिबरल अप्रोच तो उसकी सोसाइटी में वो खुद जो है वो एक शैवाइट बैकग्राउंड से आता है हर्षा है ना जब वो कन्नौज वाले रीजन पर कैपिटल डालते हैं तो वहां पर और गुप्ता वाले रीजन पर एक्सटेंड करता है तो वहाँ पर सारे क्या हैं वैश्ण हैं तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो वैश्वन है उसके जो ट्यूडेटरीज हैं जो नोबल्स हैं वो सारे वैश्व हैं ठीक है थीके? वो जब ट्रेड करने चलता है तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करता है तो वो सारे ट्रेडर्स ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो किसके हैं बुद्धिस्ट लोगों के दक्षिण भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है तो ट्रेड गिल्ड्स गिल्ड किन के हैं जैन लोगों के ठीक है दैट मींस अब वो बौद्धिज्म और जैनिज्म को भी पेट्रोनाइज उसे करना पड़ेगा तो दैट मींस नेचुरल सेंस थी कि हर्षवर्धन ने क्या अप्रोच अपनाई लिबरल ठीक है देखिए हिंदूइज्म में कन्वर्जन का इतना जोर नहीं है वैसे ब्राह्मणों ने मतलब जो ब्राह्मणिकल या वैदिक ब्राह्मण रहे हैं उन्होंने वर्ण व्यवस्था में ट्राइब्स को जोड़ने की कोशिश तो करी है लेकिन जिस लेवल पर इस्लाम ने कन्वर्जन्स करवाए हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों के सवाल बहुत बार बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि सर आ, मतलब हिंदुज़म ने जो ये मतलब रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी जो है वो भारत की क्यों है और जो ये मतलब तुर्की आए या अरबी आए या उसके बाद तुमीर तिमूरी जो आए इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई ठीक है देखिए भारत के शासकों को अपनानी पड़ती है इसीलिए मैं कह रहा हूँ देख रहे हैं आप हेटीरोडॉक्स सोसाइटी और ट्रेड करने का प्रेशर इसीलिए लिबरल पॉलिसी अपनानी पड़ती है बुद्धिस्ट जनता के साथ ट्रेड करना है इसलिए लिबरल पॉलिसी अपनानी पड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया ना जब तक अरबियों ने भारत पर अटैक किया तो अरबियों ने कन्वर्जेंस का जोरा नहीं दिया है ना सिंध वाले एरिया में अरबियों ने कैप्चर करा हुआ था ना रीजन तो उन्होंने गुजर प्रतिहारों से इधर गुजर प्रतिहार थे सिंध में अरबी थे तो अरबी इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन्स नहीं करा रहे थे करवा रहे थे इतने बड़े लेवल पर नहीं लेकिन जब तुर्की भारत आए तो उन्होंने कन्वर्जन कराए क्योंकि तुर्कियों का इस मेरी ट्रेड से कोई लेना देना नहीं था तो तुर्कियों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि बनाकर भी रखनी होती है दूसरे धर्मों से उनका तो वो तो वॉरिंग ट्राइब्स थे उनका तो यह था कि जाओ लूट कर आ जाओ ठीक है और उनको इस तरह ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया था तो वो भी आगे कन्वर्ट करवा रहे थे क्योंकि उनको एक चीज़ दिख रही थी कि हाँ खुम्स के रूल के मुताबिक हमें तो पैसा मिल रहा है बढ़िया लूट मचाएंगे हम लड़ना तो जानते ही हैं तो समझ रहे इसीलिए वो लोग उनका ऐसा माहौल है ऐसा नेचर था उनकी ट्राइब्स का और जो मैरीटाइम सिल्क रूट के साथ वो नहीं जुड़े हुए थे वो केवल लैंडेड सिल्क रूट के साथ जुड़े हुए थे और भारतीय शासक मजबूरी थी भारतीय शासकों की अगर वो सिल्क रूट के साथ नहीं जुड़ेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे इसलिए लिबरल पॉलिसीज अप्रोच जो है उन्हें रखनी पड़ती थी नेक्स्ट हिज फादर वॉज अ डिवोटी ऑफ द सन एंड हिज ब्रदर वॉज अस्ट ष्यभूतियों के एंसेस्टर जो है वो शैव धर्मी है ठीक है उसके अलावा उसका फादर यानी कि प्रभाकर वर्धन सूर्य पूजक है और जो भाई जो है उसका वो किसको पूछता था जिसको मार दिया गया वो बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध था वो तो ऐसे में हर्षवर्धन ने भी समझा कि यस मुझे भी लिबरल पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी राइट हर्ष बिकेम डिवोटी ऑफ ऑल थ्री सबको पूछना शुरू कर दिया उसने हिज रिस्पेेक्ट फॉर ऑल फेथ एंड सेक्ट वॉज द मोस्ट नोटवर्दी फीचर ऑफ दिस रेन ठीक है अब देखिए हमें हम इसको बहुत माइल्डली बोल देते हैं कि ही हैड द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन ठीक है लेकिन आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को तो आप लोग जानते हैं कि करना पड़ता नहीं तो ट्रेड किससे करता जोड़कर कैसे रखता है सोसाइटी को तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है आपको कॉमन इंसान की तरह नहीं कॉमन इंसान के लिए यह पॉइंट है देखिए कि वो सबकी इज्जत कर रहा है क्योंकि वो इतना मन से उस भाव से इज्जत कर रहा है सबकी लेकिन आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है कि स्वर्ण भूमि के साथ ट्रेड करना है गोल्डन लैंड के साथ साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करना है अपने लोगों को जोड़कर रखना है तो रिलीजियस टॉलरेंट तो होना ही पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हो सकता है कि उसके मन के भाव भी हों लेकिन सर्कम्स्टांसेस भी तो ऐसी हैं अगर ना भी हों तो भी करना पड़ेगा ठीक है इन इज अर्ली लाइफ हर्षा वॉज डिवोटी ऑफ शैवा शिवा बट लेटर ही बिकेम एन आर्डेंट हीनयान बुद्धिस्ट अब देखिए शुरू में क्या वाइट था वो फिर उसने हीनयान को फॉलो किया फिर जब हुए के लपेटे में आया वो तो होनसांग ने उसको कन्वर्ट कर दिया महायान में तो समझ रहे हैं यहाँ पर वो एक राजा या एक रॉयल फैमिली किस धर्म को किस आ, सेक्ट को किस पंथ को फॉलो करती है ये एक पॉलिटिकल मूव रहता है ठीक है हुए कन्वर्टेड हिम टू महायान बुद्धिज्म वो सांग चाइना से आया था और हर्षवर्धन चाइना के साथ लगातार ट्रेड करते रहना चाहता था क्योंकि हुणों की वजह से वो कर नहीं पा रहा था ठीक से लैंडेड रूट से ठीक है और सी रूट से चाइना से बहुत लंबा ट्रेड हो जाता है तो वो डायरेक्टली जुड़ना चाह रहा था इसलिए चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था वर्धन इसलिए उसने महायान में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया ठीक है हर्षा हर्षा प्रोहिबिटेड दीज ऑफ एनिमल फूड इन द किंगडम कंजम्पन लिख देते हैं दीज क्या लिखा हुआ है कंजम्प्शन ऑफ एनिमल फूड इन द किंगडम एंड पनिश दोज हु किल एनी लिविंग बिंग तो बेसिकली बुद्धिज़्म के जो मतलब अहिंसा वाले जो क्या बोलते हैं सारे रूल्स हैं उसको उसने अपनी किंगडम पर अप्लाई करवाना शुरू कर दिया तो मेजॉरिटी जनता ने माना नहीं होगा लेकिन जहाँ जहाँ तक हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ स्ट्रांग होगी वहाँ वहाँ तक जो है वो फॉलो किए गए होंगे ये रूल्स लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट राइट

एक महा जो है वो सभा का आयोजन करता था वो जिसमें सभी रिलीजन को इनवाइट किया जाता था अब यहां पर ना सवाल बनता है देखिए ऑप्शन के लिए सवाल बनता है ये पॉलिसी में अशोक की धम्मा हर्षवर्धना की रिलीजियस पॉलिसी और अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का कंपैरिजन करने की करने के लिए जो है वो एक सवाल बनता है ऑप्शनल लेवल में ठीक है तो यहां से उसके बेसिक उठ रहे हैं मैंने बोला ना ऑप्शनल में जब हम जाएंगे तो उसके लिए बेस जो है वो कहां से बना रहा हूं मैं इन सेशन से तो रिलीजियस पॉलिसी क्या है टॉलरेंट है क्या क्या कर रहा है मोनिस्ट्रीज बना रहा है ये सब चीजें कर रहा है ना ठीक है और हर पांच साल में उसने जो है वो एक गैदरिंग जो है वो कन्वीन करने की आयोजन अरेंजमेंट की है जिसमें वो कॉस्टली प्रेजेंट्स देता है सबको कॉस्टली प्रेजेंट्स में हो सकता है कि वो मतलब ऑब्जेक्ट्स भी देता हो और उसके अलावा लैंड ग्रांट भी करता है दासियां भी देता है दास भी देता है हाथी वगैरह ये सब ठीक है और सेना भी ही ब्रॉट द ही ब्रॉट द बुद्धिस्ट मंग्स टुगेदर फ्रीक्वेंटली टू डिस्कस एंड एग्जामिन द बुद्धिस्ट डॉक्टरी देखिए बुद्धिज्म के साथ जो है वो बहुत जुड़ाव हमें देखने को मिल रहा है हर्षवर्धन का बात करते हैं इन असेंबलीज की तो सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज असेंबली सो कन्नौज वॉज द कैपिटल राइट टू हाईलाइट द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड टू ऑनर चाइनीज पिलग्रिम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनर चाइनीज पिलग्रिम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा हर्षा हर्षा हेल्ड अ ग्रेट रिलीजियस असेंबली इन इज कैपिटल एट कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन गैंगी थ्री सी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ठीक है हर्षा ने क्या किया सिक्स फोर्टी थ्री सी में कन्नौज में एक बुद्धिस्ट काउंसिल एक बुद्धिस्ट असेंबली अरेंज करी हुए इंसान के सम्मान में ही इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट अब था तो ये बुद्धिस्ट लेकिन सभी रिलीजियस सेक्ट को बुलाई तो यही तो उसकी रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी है ना उसने उसने शैवाइट्स को बुलाया वैश्वाइट्स को बुलाया उसने जैनों को बुलाया बुद्धिस्ट को बुलाया आजीविकों को बुलाया एंड असेंबली वॉज अटेंडेड बाई ट्वेंटी किंग्स थाउजेंड स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी थ्री थाउजेंड हीन एंड महायानिस्ट थ्री थाउजेंड ब्राह्मींस इन जैन ब्राह्मण जैन हीन यान महायान स्कॉलर्स किंग्स सब ने ज्वाइन किया और हर्षा ने पैटर्नाइज किया द असेंबली वेंट ऑन कंटिन्यूसली फॉर ट्वेंटी थ्री डेज वांग एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ महायान डॉक्टर इन एन एस्टेब्लिश इट्स सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स राइट वो इन सांग ने महायान के बारे में भाषण वगैरह दिया ठीक है ये सब वो इन सांग के डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है हमें बाय द वे इन सारे पॉइंट की सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है एन सांग के द्वारा छोड़े गए ट्रेवल अकाउंट्स ठीक है सेकेंड कॉन्फ्रेंस रहती है जुड़ती हुई किसके साथ कनिष्ठ के साथ सॉरी नॉट कनिश, कनिश हर्षवर्धन के साथ अलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस हर्षा अलोंग विद हुए सांग एंड द किंग्स ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज अटेंडेड अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस तो एक बार कन्नौज कॉन्फ्रेंस अटेंड करी उन्होंने दूसरी बार उन्होंने अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस अटेंड करी सेम नेचर है दोनों कॉन्फ्रेंस का ठीक है द साइट ऑफ द असेंबली वॉज ऑन द वास्ट एक्सपेंसिस ऑफ सेंड्स एट द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना इट वॉज वन अमंग द कॉन्फ्रेंसिस कन्वीन बाई हर्षा वंस इन फाइव ईयर्स तो यहाँ पर बनता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या जो हर पाँच साल में जो आ, मतलब क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस रखी जाती थी वो कौन से वाली है वो अलाहाबाद वाली है या कन्नौज वाली है तो आपके लिए जवाब होगा वो हाबाद वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो हर पांच साल वाली कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ठीक है ध्यान रखेंगे इसमें आप चर्मनी लास्टेड फॉर सेवेंटी फाइव डेज हाफ अ मिलियन पीपल अटेंडेड दिस यूनिक असेंबली जिसको कुंभ भी कुंभ भी कहा गया है कई जगहों पर कुंभ भी कहा गया है जिस लेवल के लोग जो है इसमें आकर जुड़े हाफ अ मिलियन पीपल समझ रहे हैं आप फाइव हंड्रेड थाउजेंड पीपल ज्वाइन पांच लाख लोगों ने ज्वाइन किया उस समय और गिफ्ट्स दिए राजा ने उन लोगों को जिससे हर्षवर्धना का खजाना जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया था वोनसांग मैं अकाउंट अबाउट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट अलाहाबाद नोन एज प्रयाग और इस सारे के बारे में जानकारी सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है हमारा वोनसांग के ट्रेवल अकाउंट्स हर्षा गेव अवे इज अ नॉर्मस वेल्थ एज गिबर्स ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेन्ग हर्षा सो लेवे दैट ही एम्पटेड द ट्रेजरी एंड इवन गेव अवे द क्लोथ एंड ज्वेल्स ही वॉज वेरी तो हुए सांग ने क्या कहा है कि हर्षा ने अपनी पूरी अपना खजाना खाली कर दिया अलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस में अपने कपड़े तक अपने जो वस्त्र उसने पहने हुए थे वो उतार कर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उतार दिए लेकिन जो अंग वस्त्र वगैरह उसने जो पहने होंगे वो लोगों में बांट दिए ठीक है चून आफ्टर द प्रयाग असेंबली हुए सांग लेफ्ट फॉर होम एंड रीच्ड चाइना इन सिक्स फोर्टी सी आफ्टर टू ईयर्स अर्ली इन सिक्स फोर्टी सेवन सी ई तिलदत्त डाइट सो सिक्स फोर्टी सेवन सी ई हर्षा की भी मृत्यु हो गई ठीक है तो इन सारे फंडों से हमें क्या पता चलता है यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है और कुछ हमारे पास फैक्ट भी मिल रहे हैं और जो फैक्ट्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली आप लोगों ने वो फैक्ट्स पढ़े होंगे ठीक है लेकिन हमें जो है वो ये छुटपुट बिल्कुल छोटे छोटे कॉन् कॉन्सेप्ट हैं इनको तैयार करना है ठीक है क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे हमें ऑप्शनल में आंसर राइटिंग में बहुत गहरी मदद करने जा रहे हैं एंड नॉट जस्ट दैट जी एस में भी कहीं ना कहीं हमें ये काम आ ही जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है वो है एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री टर्मनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे हर्षा फॉलोड द सेम लाइन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑफ गुप्ताज गुप्ताज डेट बट ग्रेजुअली हैव ग्रेजुअली ही वे टू मेक हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसेंट्रलाइज देखिए हर्षा गुप्ता के जाने के बाद उनका जो सिस्टम था है ना यानी कि सेंटर प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट विलेज वाला सिस्टम जो है वो फॉलो किया किसने हर्षा ने है ना क्या किस किस तरह ये उप, उपारी का विशाज और ग्राम तो यही वाला सिस्टम जो है वो हर्षा ने फॉलो किया लेकिन हर्षा ने जो प्रोविंस था गुप्ता एम्पायर में प्रोविंस में बैठते थे कुमार हर्षा के समय गलती ये होगी कि फ्यूडल बैठ गया सिस्टम प्रोविंस में अब जो है वो जो ऑफिसर बैठने लगे दे वर नॉट अपॉइंटेड फर्स्टली देर अपॉइंटेड बाई सेंटर बट इवेंचुअलीअर पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी एंड द प्रोसाउम पावरफुल देन सेंटर इन द सेंस दैट वेन है सेंटर जब भी सेंटर को जो है वो युद्ध करना था तो उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था प्रोविंशियल सेनाओं पर ठीक है हर्ष स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग ग्रांट्स ऑफ लैंड टू द ऑफिसर बाय इशूइंग चार्टर्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड ग्रांट्स देखिए गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट शुरू हुए छोटे लेवल पर उन्होंने जो है वो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देना शुरू किया लेकिन हर्षा ने फ्यूडलिज्म को तूल किस तरह दी कि हर्षा ने ऑफिसर्स को इन ल्यू ऑफ देयर सैलरीज ही प्रोवाइडेड देम विद लैंड ग्रांट्स एंड मेड पोस्ट हेरिडिटरी सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई द किंग वॉज एब्सोल्यूट हाउ एवर ही वॉज देखिए इन द केस ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन अपटिल गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द किंग ओनली अथॉरिटी ओनली फाइनलिटी राइट काउंसिल उसको सलाह देती थी लेकिन फैसला किंग का होता था हर्षवर्धना में उल्टा हो गया हर्षवर्धना पर प्रेशर आ गया काउंसिल काउंसिल की, की बात उसको माननी पड़ेगी ठीक है देखिए ही वॉज सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ धम्मा राइट गुप्ता रूलर्स तक जो है वो उन्होंने अपने आप को सब चीज सब सब टेक्स्ट वगैरह सारे मंत्री मंत्री सबसे ऊपर रखा हुआ था ठीक है हर्षवर्धना के टाइम में जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो उनमें लिखी हुई बातें राजा से ऊपर हो गई ठीक है एंड टू द वाइस एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स तो ये बहुत मीठे से बोला गया है कि सेंटर जो है वो कमजोर हो गया है और ये कोर्टियर कौन होते हैं ये कोर्टियर्स जो हैं वो ये ज्यादातर प्रोविंशियल लेवल के या और जो मंत्री वगैरह हैं वो सब हैं और ये मंत्री जो हैं वो क्या होते हैं इनके हाथ में ट्रेड गिल्स होते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट या इनके पीछे बैकअप होता है ट्रेड गिल्ड्स का हर्षा एडा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ सचिव और हु असिस्टेड हिम तो हर्षा के नीचे कौन थे सचिव या अमत्या जो कि उसको सलाह दिया करते थे नेक्स्ट द चीफ सचिव ऑफ हर्षा वो भांडी एंड अवंती Was his, कौन था? भांडी और अवंती था उसका संधि विग्राहक संधि फॉरेन मिनिस्टर जो है, है? संधि विग्राहक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को ही सो काफी सारी पोस्ट जो है वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की ही आगे कैरी फॉर्ड हो गई क्योंकि पुष्यभूतिजर इनफेक्ट फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ताज राइट सो देर पार्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटलींगज जस्ट

वो अश्व का जो मतलब पालिका होता है ठीक है एंड द चीफ कमांडेंट ऑफ एलिफेंट फोर्सेस हर्षाज आर्मी कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल फोर डिवीजन फुट डिविजन फोर्ट एंड एलिफेंट द एम्पायर वोवेंस नोन एज भुक्ति तो देखिए सेंट्रल लेवल पर क्या है सेंट्रल लेवल पर किंग के नीचे उसकी काउंसिल है और काउंसिल के नीचे सिविल सर्वेंट है राइट right? और ये काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं आगे इनके नाम मैं आपको एक लिस्ट में बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट टर्मनोलॉजी है इसके अलावा सेना के वही चार हिस्से हैं सेना के सेनापति हैं ठीक है इन्फेंट्री है कैवलरी है एलिफेंट कॉप्स है और चैरियट्स हैं उसके अब प्रोविंश की, प्रोविंश की बात करें तो प्रोविंसेस के लिए वर्ड है यूज क्या भुक्ति ठीक है और भुगतीज के नीचे भुक्तीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विश्याज यानी डिस्ट्रिक्ट और विश्यास जो है वो फर्दर जो है वो पाठकों में डिवाइडेड है ये पाठक जो है वो नया शब्द निकल कर आया जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हमने अभी तक नहीं देखा था ध्यान है आपको द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द हेड ऑफ द प्रोविंस भुक्ति का जो हेड है उसको कहा जाता है उपारिका ये वर्ड जो है वो हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा है एंड द हेड ऑफ विश्या जो है वो ऑब्वियसली विश्या का हेड जो है वो विश्वपति है जानते हैं हम ये बात सब अदर ऑफिशियल्स और देखिए कौन कौन से है? डंडी चौरव चौर द वर्णिका उसके अलावा डंड का ये सारे जो हैं वो पुलिस रिलेटेड पोस्ट हैं ठीक है रूलर्स ऑफ प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्स द हेड ऑफ द विलेज कौन है ये समझ रहे हैं? सारे पॉइंट्स टर्मनोलॉजी के हैं इसमें मुझे समझाने का कुछ नहीं है ठीक है समझाने का पॉइंट आएगा कहाँ पर जब हम ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे ठीक है देखिए प्रॉब्लम पता क्या होती है ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये बच्चे पढ़ने जाते हैं प्री के लिए और पढ़ाते हैं ऑप्शनल के लेवल का और फिर वो कहते हैं कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ हमारा अब मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस देखिए कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ चेंज जब मैं ऑप्शनल लेवल के लिए पढ़ाऊंगा ना तब मैं मौर्य गुप्त और हर्षवर्धना यानी पोस्ट गुप्त ठीक है या इनफेक्ट इन सारी ये पूरी लाइन से पूरी लाइन से आपको एक साथ रख के पढ़ाऊंगा मैं है ना मतलब आप ये मान के चलिए कि सोलह महाजनपद से लेकर मौर्य से लेकर गुप्तों से लेकर पोस्ट गुप्तों से लेकर सबके एडमिनिस्ट्रेशन को सामने रख के कंपेयर करेंगे और चेंज आता हुआ देखेंगे उनमें कि कहाँ पर क्या चेंज आया लेकिन वो हमारा ऑप्शनल लेवल का है यहाँ पर हमें केवल फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने हैं हमें ठीक है और टर्मनोलॉजी के क्वेश्चन उठाने हैं टर्म्स उठानी तो ये टर्म्स हैं उपारिका विषया राइट भूपत भुक्ति का उपारी का विष्या का वेशपति उसके अलावा शहर में एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं डंडिका ठीक है दंडपाशी का गाँव में संभाल रहे हैं कौन ग्रामी का और उसके अलावा महामत्रा से शब्द जो है वो मतलब डेवलप होते हुए केवल महातर शब्द शब्द शब, जो है वो डेवलप हो गया राइट right? तो वही मौर्य काल से चले आ रहे महामात्रा जो है वो गुप्ता में भी महामत्रा नाम से ग्रामीण लेवल का एक

विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्रूअल पनिशमेंट्स ऑफ मॉरन पीरियड कंटिन्यूड इन टू म्यूटिलेशन करना कुचलवा देना ये सारी जो है वो क्रूअल uh, पनिशमेंट्स अभी तक चल रही थी वो सांग ने क्या कहा है देखिए ने कहा है द ट्रायल्स एज बारबरस एंड सुपरस्टिशियस है ना अग्नि परीक्षा जल परीक्षा इस तरह के तो मतलब और डील्स थे फैसला करने के जस्टिस करने के और सजाएं जो हैं वो बहुत खतरनाक थी हाथ पैर कटवा दिए जाते थे द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ गुड एंड बैड इवेंट्स ऑफ हर्षा पीरियड वॉज नोन एज नीलोपीतू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नीलोपीतू जो है वो क्या है आर्काइव ऑफ हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मनोलॉजी का सवाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा अब ये आ गए आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखिए कौन कौन से हैं बल अधिक्रिता तो आप समझ ही गए सेनापति या कमांडर महाबल अधिक्रिता कमांडर इन चीफ तो ये शब्द जो है वो हमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है उसके अलावा राजस्थानीय फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मतलब डिपार्टमेंट दूसरे राज्यों के साथ जो कॉरस्पॉन्डेंस करता है राइट उसके अलावा कुमार अमत् ये गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से आया है ये भी काउंसिलर ऑफ प्रिंस है ना प्रिंस की जानकारी जो शासक तक पहुंचाता है दैट इज कुमार उसके अलावा अक्षय पत्र लिका दुकुला तो ये क्या है कीपर्स ऑफ द रिकॉर्ड सो जो प्रेजेंट डे पटवारी की तरह है तो ध्यान रखेंगे ये हमारा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से निकल कर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद उपारिका तो ये जानते हैं प्रोविंस का गवर्नर विश्वपति विश्व का हेड हो गया भोगिका और भोपति जो है वो टैक्स का कलेक्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मनोलॉजी नेक्स्ट महाप्रतिहारा आप लोग जानते हैं प्रतिहार शब्द का मतलब होता है गार्ड तो जो पैलेस गार्ड्स वगैरह होते हैं वो कौन होते हैं महाप्रतिहारा और मीमांसक जो है वो कौन है जस्टिस ऑफिसर ठीक है एक तरह के जज का काम कौन करते हैं मीमांसक तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं इन्हीं पर ही घुमा फिरा कर सवाल बनते हैं ठीक है टर्मनोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं इधर से ही क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन भी बन जाते हैं बाण भट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से मिलता है हमें सब जानकारी आगे बढ़ते हैं ठीक है अब बात करते हैं सोसाइटी और इकोनॉमी की अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया प्रोविंशियल एडवेल एज वेल एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम देख लिए हमने वहीं से सवाल बनते हैं ठीक है प्रोसेस ऑफ चेंज हमारा ऑप्शनल का खेल है वहाँ समझेंगे हम प्रोसेस ऑफ चेंज है ना यहाँ पर केवल प्रोसेस ऑफ चेंज के बीज डाल रहा हूँ मैं केवल आपको थोड़ा बहुत जो है वो मतलब हिंट मिल जाएगा कि हमें ऑप्शनल में पढ़ना क्या है नेक्स्ट देखिएगा बोथ बोथ बाणभट्ट एंड ह्वेनसांग पोर्ट्रे एक्सेप्ट द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ड्यूरिंग हर्ष पीरियड तो वर्ण व्यवस्था थी वर्ण सिस्टम था कहां से पता चलता है दोनों ह्वेनसांग और बाण भट दोनों के डॉक्यूमेंट से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल बनता है इस इस पर इसी तरह ध्यान रखिएगा पॉइंट को सांग हैल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कि शुद्ध जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे किसने कहा है सांग ने ठीक है देयर एग्जिस्टेड मैनी द पोजिशन ऑफ वुमन वॉज नॉट सेफेक्ट्री अगेन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज सांग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयं वर्ग द चॉइस ऑफ चूजिंग हजबेंड वॉज डिक्लाइंड सो देर वॉज नो स्वयं वर्क देर वॉज नो स्वयं वर्ग इन इन गुप्ता पीरियड ऑल्सो गुप्ता पीरियड में रिमैरिज ऑफ विडोज थोड़ी बहुत दिख रही थी बट देर वॉज नो रिमैरिज ऑफ विडोज वॉज परमिटेड पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट द सिस्टम ऑफ डाउरी हैज बिकेम अ कॉमन प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ सती तो देख रहे वुमेन की हालत गिरती चली गई तो आपने पैटर्न देखा है ना मौर्य से गुप्ता में थोड़ी सी वुमेन की हालत गिरी है ना अब गुप्ता से पुष्यभूति में और ज्यादा गिर रही है हर्षवर्धना के टाइम में हर्षवर्धना से राजपूतों में जाओगे तो और ही ज्यादा गिर जाएगी महिलाओं की स्थिति तो ये ये आपको फर्दर प्रोसेस ऑफ चेंज है महिलाओं की स्थिति में ठीक है कि गुप्ता में सती प्रथा दिख रहा था थोड़ा लेकिन हर्षवर्धना में प्रेवलेंट हो गया लेकिन यहां पर रॉयल क्लास कर रही है और फिर राजपूत काल में तो सभी महिलाएं कर रही हैं राजपूत महिलाएं करना पड़ रहा है उनको आम लोग कर रहे हैं गांव के जमींदार कर रहे हैं ठीक है राजपूत कम्युनिटी में ज्यादा ज्यादा फैल रहा है तो ये महिलाओं की स्थिति गिरती तो जा रही है ना ठीक है मुगल पीरियड में विडो रिमैरिज का प्रोविजन था गुप्ता में कुछ हद तक विडो रिमैरिज हो जा रही थी ठीक है और हर्षवर्धन में बिल्कुल विडो रिमैरिज बंद है राजपूतों में तो विडोज का जीना ही मुश्किल कर देते हैं ठीक है तो ये महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती जा रही है डाउरी सिस्टम जो है वो हर्षवर्धन पीरियड में आया विडो रिमैरिज खत्म हुआ हर्षवर्धन में प्रथा हुई हर्षवर्धन हर्षवर्धन पीरियड पीरियड में में तो में आपको काफी जो है वो महिलाओं की so बात करते हैं हर्षा की इकोनॉमी के बारे में रेवेन्यू तो के, के बारे में जानकारी दे रहा है वन पार्ट क्या है एम्बाग फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ किंग चार पार्ट है पहला तो किंग खर्चा करेगा किंग का हाउस होल्ड किंग के युद्ध वगैरह ठीक है ये सब चीज़ें सेकेंड फॉर स्कॉलर्स जो अब हर्षवर्धना जो है वो लिटररी स्कॉलर्स को उसने पेट्रोनाइज किया तो नॉट जस्ट लिटररी सोर्स बट आर्ट जितने भी मतलब परफॉर्मिंग विजुअल जितने भी आर्ट्स हैं उन स्कॉलर्स का खर्चा उनको पेट्रोनाइज करना महंगा पड़ता है ठीक है तीसरा जो है वो एंडावरमेंट्स टू ऑफिशियस तीसरा उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया जाना उनकी सैलरीज वगैरह निकलना उनको गिफ्ट्स वगैरह देना और चौथा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं ठीक है जो टेम्पल डेवलपमेंट हो रहे हैं जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं उन सबको दान देना और ये सारे काम करने के लिए कमाई आ कहां से रही है ये कमाई आ रही है टैक्स से टैक्स कौन सा है एग्रो एज वेल एज कमर्शियल मतलब जो ट्रेड पर टैक्स लग रहा है राइट right? ही ऑल्सो टेल्स अस दैट मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वर एंड लैंड हाई ऑफिसर्स को क्या दिया जा रहा है लैंड दिया जा रहा है मिनिस्टर्स को लैंड दिया जा रहा है तो यहां से फूडरलिज्म बढ़ रहा है ना उनकी पोस्ट भी हेरिडेटरी हो जा रही है उनको लैंड भी दे दे रहे हैं कल को वो अपनी सेना रख लेते हैं खुद और फिर वो चैलेंज कर देते हैं सेंटर को कभी भी ठीक है वी केम टू नो फ्रॉम आप देखिए मधुबन कॉपर प्लेट में क्या पता चलता है मैं किंग्स ड्यूज फ्रॉम विलेज वर ऑफ टू काइंड मधुवन कॉपर प्लेट में हमें हर्षवर्धना या वर्धना पीरियड के विलेज रेवेन्यू से विलेज से कैसा रेवेन्यू निकल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है क्या क्या वन वॉज द वन वॉज द टैक्सेस डिपेंडिंग ऑन वेट एंड मेजर ऑफ द थिंग्स सोल्ड कि कितने वजन की मतलब समझ रहे वजन के हिसाब से टैक्स लिया जाता है यानी मान लीजिए अगर 100 किलो या मण का हिसाब चलता था उस समय मान लीजिए अगर 100 किलो बेचा गया तो उसमें से 30 या 40 किलो जो है वो मतलब तीस या चालीस किलो के बाहर के बराबर जो पैसा मिला है वो शासक को जाएगा दूसरा द अदर वेज वैग अदर अदर वैग द शेयर ऑफ प्रोड्यूस टैक्सेस एंड पेमेंट्स इन कैश फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम दूसरा क्या है जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है चाहे वो कैटल्स से हो ठीक है किसी भी किसी भी तरह के प्रोड्यूस से हो कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें से जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका वहां से देना पड़ेगा ठीक है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज वेल एज जो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है विलेज का वहां से उसको टैक्स मिल रहा है राइट द सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं देखिए उदरंग अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू उपारी का टैक्सेस बिसाइड्स द रेगुलर फाइंस और रियना यानी कि गोल्ड के फॉर्म में जो टैक्स वसूल करते हैं उसके अलावा मैनी मनी वॉज ऑल्सो रियलाइज बाई इम्पोजिंग फाइन्स माइन्स एंड बरेड ट्रेजर कहीं से बरेड ट्रेजर मिल जाए तो वो शासक का है ठीक है ंग टन वॉज लाइज इन फोर्स लेबर देखिये हमक्यूमेंट से पता चल रहा है देर वॉज फोर्स लेबर लेकिन, लेकिन डॉक्यूमेंट ने ऐसा कहा है कि नहीं था फोर्स लेबर और टैक्स कितना लिया जाता था वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स कम था काफी कम था वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो काफी कम होता है टैक्स आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू वज ऑल्सो अर्न फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स जब तक गुजरात वाला रीजन वल्लभ भी उसके कंट्रोल में नहीं आया था गुजरात वाला रीजन उसके कंट्रोल में नहीं आया था तब तक वो बंगाल की खाड़ी से ही ज्यादा ट्रेड कर रहा था ठीक है द ट्रेड कॉमर्स हैड डिक्लाइंड ड्यूरिंग हर्षा पीरियड डिक्लाइन इसीलिए हुआ क्योंकि गुप्ता के पास बंगाल और गुजरात दोनों था हर्षा के पास गुजरात बहुत बाद में आया और उसको वो कंसोलिडेट भी नहीं कर सका उस ट्रेड को ठीक है दिस इज एविडेंट फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ ट्रेड सेंटर्स लेसर नंबर ऑफ कॉइन्स स्लो एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट irrigation, वाटर पंप वॉज नोन एज तुलियंता बहुत इंपॉर्टेंट टर्मनोलॉजी का क्वेश्चन ठीक है वाटर पंप को क्या कह रहे हैं तुलियंता तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं पॉइंट कर आ रहे हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं है देखिए बहुत सारे उदरंग उपारिका हृणय ये क्या है ये लैंड रेवेन्यूज है ठीक है मतलब ये टैक्सेस है एक तरह से उसके अलावा टैक्स कितना था वन सिक्स था यहां से टर्म निकल कर आई है एक राइट ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्सेप्ट पता चला हमें ऑप्शन में बहुत मदद करेंगे ये आपके अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो ऑप्शन में बहुत मदद होने वाली है कल्चरल प्रोग्रेस की बात करते हैं अब पैसा कम था तो कल्चर भी कम प्रोग्रेस किया होगा लेकिन ऐसा नहीं है हर्षवर्धन के पास खुद पैसा बहुत था उस अपने अपनी जेब से खर्च करके उसने कल्चर को प्रोग्रेस करवाई है राइट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हर्षाज पीरियड मोस्टली फॉलोड गुप्ता स्टाइल तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और जो फ्री स्टैंडिंग जो मतलब मूर्तियां हैं वो बननी कंटिन्यूड रही हर्षा पीरियड में ठीक है हर्षा मेड सेवरल डोनेशन टू नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी अटेंड एन इंटरनेशनल रेप्यन ए सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग क्यों क्योंकि हर्षा ने बुद्धिज्म को बड़े लेवल पर पैटरनाइज किया और नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था लेकिन अन्य

ऑल्सो सेंट अम्पोर्टेंट देखिए चाइना से रिलेशन रिलेशनिश करने की कोशिश हर्षा ने करी ये सवाल बनता है कि अर्ली मेडिबल हिस्ट्री या, या एंशियंट हिस्ट्री में किस शासक ने चाइना के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करी है तो आपका जवाब रहेगा हर्षा ठीक है विच हेल्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट डिप्लोमैटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं वोनसांग डिस्क्राइब्स the ग्लोरी ऑफ monastery with many स्टोरीज बिल्ड बाय Harsha at नालंदा ठीक हैंग कहता है कि काफी मंजिलें जो हैं वो बनवाईन सांग बता रहा है कि हर्षा ने नालंदा यूनिवर्सिटी में काफी पैटर्नाइज किया सौ दो सौ जो है वो उसने गांव दिए लगभग सौ से दो की जो खर्चा जो है वो चलता रहे नालंदा यूनिवर्सिटी का क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे जितने भी स्टूडेंट हैं वन ने कहा कि तीन हजार छात्र नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे उन सभी का खाने पीने रहने एजुकेशन टीचरों की सैलरी ये सारी चीजें मुफ्त में हो रही थी है ना मतलब ये सभी चीज़ें जो जो है वो जो भी शासक पेट्रोनाइज कर रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी को उनके खर्चे से हो रहा है He also speak of of with feet in तो मैंने पिछले सेशन में बताया था ना साढ़े सात फीट का कॉपर स्टैचू जो है वो मिला था बिहार से जिसको अंग्रेज उठाकर ले गए उसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है वो इंसान है ना

हर्ष की बायोग्राफी लिखी और उसके अलावा कादंबरी वॉज ऑल्सो ऑथोराइज बाय वन लिटररी फिगर इन हर्षा को एक और लिटररी फिगर है देखिए कौन है वो है मतंग दिवाकर ठीक है मतंग दिवाकरा एंड फेमस भारत भारत रिहरी वॉज अ पॉइट फिलोसफर एंड ग्रामेरियन तो ये दो इंपॉर्टेंट और लिटररी स्कॉलर आप ध्यान रखेंगे किसकी कोर्ट में है हर्ष वर्धना की कोर्ट में ठीक है ध्यान रखना हर्ष हिमसेल्फ पैटरनाइज सॉरी uh, नॉट पैटरनाइज बट ऑथर्ड थ्री प्लेस रत्नावली प्रियादर्शिका और नागनंदा लेकिन कहा जाता है कि धावक नाम का एक और कोर्ट पॉइंट था जिसने लिखे हैं और हर्ष ने इसका मतलब uh, क्या बोलते हैं क्रेडिट अपने सर ले लिया है हो सकता है कि धावक ने मदद करी हो सकता है धावक ने लिखा भी हो क्योंकि इट इज पॉसिबल कि हर्ष ने जो है वो लिखवाया हो किसी से तो क्योंकि हिस्ट्री फिर हर्ष ने खुद लिखवाई है ना ठीक है इट इज सेट दैट अ राइटर नोन एज धवक रोट ऑल दीज थ्री प्लेस फॉर हर्षा ठीक है ध्यान रखना है मैं पॉइंट द पोएट जया देवा ड्यूरिंग द ट्वेल्थ सेंचुरी हैड रेफर टू हर्षाज अकम्पलिशमेंट एज अ पोएट सो जया देव ट्वेल्थ सेंचुरी का पोइट जो है वो हर्षा को एक अकम्पलिश पोइट बताता है उसके अलावा उसकी किताब है गीत गोविंद वो हर्ष को कालिदास से कंपेयर कर रहा है गीत गोविंद में जयदेवा हेज कंपेयर हर्षाविद कालीदास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटररी सोर्स का सवाल ठीक है आगे बढ़ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या सीन था उस समय द चाइनीज ट्रेवलर ऑफ एंशियट इंडिया में नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें से नालंदा जो है वो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था राइट द मोस्ट फेमस अमंग वर द यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी एंड द महायान यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीन यूनिवर्सिटी कहाँ है वल्लभी गुजरात वाले एरिया में मालवा से है ना ईस्टर्न मालवा और महायान यूनिवर्सिटी कहाँ पर है नंदा सांग वेरी वेल्यूबल अकाउंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का एक डिटेल अकाउंट दिया उसने कितनी लंबी चौड़ी क्या था कितने स्टूडेंट रहते थे तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के रिमेन हमें देखने को आज भी मिल जाते हैं ठीक है देख रहे हैं आप ब्रिक से जो है वो लेड आउट है सिस्टम कभी आपको जीवन में समय लगे तो नालंदा एक बार जरूर घूम कर आइएगा काफी अच्छी जगह है ठीक है ये देखिए नालंदा में जो है वो एक बुद्ध की स्टैचू है राइट जिससे हमें पता चलता है कि महायान जो है वो मतलब कन्फर्म हो जाता है कि महायान सेक्ट है बुद्धिज्म का क्योंकि ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं है, है ना आगे बढ़ते हैं द टर्म नालंदा का मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज ध्यान रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड बाय कुमार गुप्त फर्स्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड तो कुमार गुप्त ने करी है जानते हैं हम हमने पढ़ा गुप्त एम्पायर में इट वॉज पैट्रोनाइज बाई सक्सेसर एंड लेटर बाय हर्षा सो कुमार गुप्त के सक्सेसर रहे स्कंद गुप्त और फिर स्कंद गुप्त के फर्दर सक्सेसर ने इसको पैट्रोनाइज किया फिर हर्षा ने किया हर्षा के बाद पाल शासकों ने भी पैट्रोनाइज किया ठीक है पाल शासकों के बाद सेन शासकों ने भी पैट्रोनाइज किया फिर सेन शासकों के बाद जाकर फिर खलजियों ने इसको तबाह किया है ठीक है प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी वर कॉल्ड पंडिता पंडिता कहा जाता है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के राइट सम ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर कौन कौन से हैं देखिए दीन गंगा धर्मपाल स्थिरमती एंड सीलाभद्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चारों नाम क्या है आपके हर्षा के पीरियड वेन सांग के डॉक्यूमेंट में मिला है हमें क्या है ये नालंदा के इंपॉर्टेंट प्रोफेसर हैं जिसमें से धर्मपाल जो है वो नेटिव है कहां का कांचीपुरम का एंड ही बिकेम द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट धर्मपाल कांचीपुरम से यानी सदर्न इंडिया से आया और ही बिकेम द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है आपको नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन वॉज फ्री इंक्लूडिंग द बोर्डिंग एंड लॉजिंग देख रहे हैं एजुकेशन फ्री है और जिसमें तीन हजार स्टूडेंट्स का जिक्र करता है वह इंसान इतने नहीं होंगे लेकिन स्टिल काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो रहे होंगे देर वॉज अ बिग लाइब्रेरी नॉन एज धर्म योग्य बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का नाम क्या धर्म योग्य और जिसको जब कहा जाता है जलाया गया तो हफ्ते भर तक जलती रही ठीक है इन द नालंदा यूनिवर्सिटी इट मेंटेन्ड द रेवेन्यू डराइड फ्रॉम हंड्रेड टू टू हंड्रेड विजेस एंड डाउड बाय डिफरेंट सो सौ से दो सौ गांवों के द्वारा मिलने वाला जो मतलब रेवेन्यू है वहां से चला करता था ये पूरी यूनिवर्सिटी चलती थी राइट तो इट वॉज अ महायान यूनिवर्सिटी ध्यान रखेंगे नालंदा एक महायान यूनिवर्सिटी है थी मतलब डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट्स लाइक वेदाज हीन डॉक्टरिन संख्या एंड योग फिलोसफी फॉर ऑलसो टूट टॉट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लिबरल सेक्युलर अप्रोच जो है वो नहीं रखी इन्होंने हीनयान भी पढ़ाया वेद भी पढ़ाया तो मैंने आपको पहले ही बताया ना और देश विदेश से स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉट जस्ट दैट साइंस मैथमेटिक्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी ना in addition general subjects like logic grammar astronomy medicine and art were in the syllabus it attracted students not only from different parts of india but from different countries of East, students from china mongolia korea tibet etc came to study in this university that this university got some international reputation reputation uh, during harsha period right there was very difficult test for admission into the university so there was there was a एडमिशन टेस्ट ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर देन लेक्चर्स डिस्कशंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी का मीडियम क्या था संस्कृत में पढ़ाया जाता था अकॉर्डिंग टू आई सिंह आई सिंह इज अगेन अ चाइनीज पिलग्रिम केम आफ्टर राइट इन एट सेंचुरी आई सपोज चाइनीज पिलग्रिम देर वर थ्री थाउजेंड स्टूडेंट ओके अकॉर्डिंग टू आई सिंग देर वर देर वॉज There were thousand students on its roll. It had an observatory and a great library housed in three buildings. It was an institution of advanced learning and research. Okay, that's that. So यहाँ तक आज हमने पढ़ा ठीक है तो आप लोग जानते हैं हमने हर्षवर्धना के बारे में बिल्कुल बेसिक पॉइंट उठाए ज्यादा नहीं क्योंकि हमें पता ज्यादा सवाल यहाँ से आते नहीं ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कुछ इकोनॉमिक हिस्ट्री से निकल कर आ रहे हैं ठीक है और नालंदा पर कुछ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं तो ज़्यादा कुछ हर्षवर्धना से सवाल बनता है नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो हमने सीरीज चलाई है उसमें मैंने काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया है उसके अलावा अभी फर्दर आगे और जो है वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा प्री से पहले मैंने आपको बोला ना लगभग हज़ार डेढ़ हजार जार, दो हज़ार सवाल हम करेंगे तो वो हम करेंगे ठीक है टेलीग्राम चैनल पर जाइए मेरे चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री ठीक है और एक्सेस कीजिए इन सभी पी डी एफ्स को उसके अलावा स्पेशल क्लासेस के लिंक्स आपको वहाँ से मिलेंगे दस परसेंट का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं किसी भी कोर्स पर जिसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या अगर आपका कोई साथी करना चाह रहा है राइट और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोड यूज़ कीजिएगा चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री ठीक है तो खत्म करते हैं आज के सेशन को मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर